the meaning of potential energy, not necessarily electrostatic potential energy, any kind of potential energy. What happens when you stretch the string of a bow? धनुष, धनुष को स्ट्रिंग खींचते हैं तो क्या होता है? What happens? कुछ तो होता होगा, क्या होता है? स्प्रिंग को खींचते हैं तो क्या होता है? धनुष कभी नहीं खेला बचपन में? धनुष स्प्रिंग देखा है जिंदगी में कभी? रबर बैंड तो देखा होगा, रबर बैंड को खींचते हैं तो क्या होता है? What happens? You have to spend some energy, your muscular energy. And where does that energy go? वो energy कहाँ जाती है? Waste हो जाती है. Energy is converted into other forms. What is that form in this case when you stretch a rubber band? Rubber band को stretch करते हैं तो क्या होता है? That energy is stored in the rubber band itself. When you stretch the rubber band or any elastic string, the energy is stored in that string only. फिर उसको खींच लेते हैं, फिर उससे अपने किसी फ्रेंड को चोट भी मार सकते हैं, उसमें पेपर पीस लगा के थ्रो भी कर सकते हैं, लाइक इन कैटापुल्ट. कैटापुल्ट जानते हैं? सब में क्या होता है? धनुष में भी वैसे ही होता है. इफ़ यू वॉन्ट टू थ्रो एन एरो यूजिंग अ बो, देन ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे धनुष रखा है उस पर एरो रख दिया, अपने आप चला जाएगा? नहीं. हाउ इट विल गो? वी हैव टू गिव इट एनर्जी. हाउ डू वी गिव द एनर्जी? ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी का एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है, वॉट एवर बी द केस, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल और इलास्टिक. ठीक है, जब हम किसी भी सिस्टम में कुछ चेंज करने का अटेम्प्ट करते हैं, लाइक वी वॉन्ट टू चेंज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वेन वी ट्राई टू मेक अ चेंज इन अ सिस्टम, देन देयर आर सम इंटरनल फोर्सेज, दे टेंड टू अपोज दैट चेंज. रबर बैंड को ऐसे खींचेंगे ना तो क्या होगा? इफ़ वी ट्राई टू एक्सटेंड इंटरनल फोर्सेज इन साइड द रबर बैंड, दे टेंड टू रिटेन इट्स लेंथ. वो उस एक्सटेंशन को अपोज करेंगे. दोज फोर्सेज आर कॉल्ड इलास्टिक फोर्सेज, बट वी आर वर्किंग अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्सेज, एंड दिस वर्क विल नॉट गो वेस्ट, दिस विल स्टोर इन दैट इलास्टिक स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. बिकॉज द अपोजिंग फोर्स इन दिस केस इज इलास्टिक फोर्स, इट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, इन द केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, वेन वी टेक अ ऑब्जेक्ट अबव फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज ट्राइंग टू पुल द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स, वी आर वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो इन दिस केस अगेन वी आर चेंजिंग द सिस्टम, वी आर मेकिंग अ चेंज इन द सिस्टम. व्हाट वॉज द सिस्टम? डस्टर इज प्लेस्ड ऑन द टेबल और ऑन द ग्राउंड. वी आर चेंजिंग दिस सिस्टम, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में हम इसे चेंज कर रहे हैं. सो फोर्स इज पुलिंग द डस्टर डाउनवर्ड, बट वी आर पुलिंग इट अपवर्ड. सो वी आर डूइंग वर्क, दिस वर्क विल नॉट गो वेस्ट, दिस विल स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी. इन दिस केस द पोटेंशियल एनर्जी विल बी कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज द फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर है सिस्टम में और फिर हमने वर्क किया सिस्टम को चेंज करने के लिए, देन द वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. दिस टाइम व्हाट विल बी द नेम? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. जो फोर्स सिस्टम में है, ठीक है, वही पोटेंशियल एनर्जी के नाम में ऐड हो जाएगा. सो इन दिस केस फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट्स वाई द एनर्जी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द सिस्टम, यहाँ पर कैसा सिस्टम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? चार्ज पार्टिकल्स का सिस्टम होता है. सपोज दिस इज प्लस क्यू वन, ऑल दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, फिर से डिस्कस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस, तुम लोगों ने देखा नहीं. ठीक है, यहाँ पर एक सिस्टम है, टू चार्ज पार्टिकल्स Q1 एंड Q2, दे आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस, सपोज R, दे आर प्लेस्ड एट दीज पॉइंट्स A एंड B. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू मेक एनी चेंज इन दिस सिस्टम, देन वॉट विल हैपन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल अपोज दैट चेंज. यहाँ पर है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वॉट काइंड ऑफ फोर्स इज देयर? इलेक्ट्रोस्टैटिक. रिपल्सिव और अट्रैक्टिव? रिपल्सिव और अट्रैक्टिव?
repulsive because the nature of charges is same. So suppose this is the repulsive force, direction of repulsive force on both the charges. If you want to make a change, suppose हमें change करना है, इस distance को अभी r है, इससे decrease करना है. Suppose इस वाले charge particle को इधर लेके आना है. Then we have to do work against this repulsive force, and that work will be stored as potential energy. What will be the name? Electrostatic potential energy, because this force is of electrostatic nature. अगर एक positive होता और एक negative, then what happens? What will be the type of force? Attractive or repulsive? Attractive. So this will be the attractive force. Suppose Q1 is fixed at its position and you are changing the position of Q2. Q2 का position change कर रहे हैं, ठीक है? अगर इस तरफ खींचना है हमें, then we have to do work against this force. ठीक है, इधर work करना पड़ेगा against this force. Again, the work done will not go waste. It will be stored in the form of potential energy. समझ में आया? कोई भी system, जहाँ भी हम कोई भी change करेंगे, and while doing that change, we have to work against a force of the system. That work will be stored in the form of potential energy. पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. तुम जब तक साइंस पढ़ोगे, फिजिक्स नहीं पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो भी चाहिए, ठीक है? इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इवन लगभग सारे फेनोमिनन को पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर सकते हैं, फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर दोनों केसेस में हमने क्या देखा? फोर्स के अगेंस्ट हमने वर्क किया है, मतलब फोर्स रिपल्सिव था तो हम इनको चार्ज पार्टिकल्स को पास लेके आ रहे हैं, इधर अट्रैक्टिव था तो दूर लेके जा रहे हैं. व्हाट हैपेंस इफ द वर्क इज डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? देन व्हाट हैपेंस? सपोज डिस्प्लेसमेंट इज डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पार्टिकल को मूव कराना मीन्स डिस्प्लेसमेंट. सो हाउ डू वी कैलकुलेट वर्क डन? एफ डॉट डी पढ़ा था ना 11th क्लास में, means scalar product of force and displacement. So it becomes FD cos theta. If force and displacement are in same direction, then the work done is maximum. Cos 0 is 1. ये दो simple बात है, पता ही है. And if the directions of force and displacement are opposite, then what happens? Okay, again the magnitude is same, but direction is opposite, so the work done is negative. So what is the meaning of positive work and negative work? ये positive work और negative work का मतलब क्या होता है? What is the meaning of positive and negative work? When we say work done, मतलब हमने काम किया, and it is positive, it means the meaning is the same what is being said. Work done, positive. If we are saying work done but it is negative, it means what we are saying is just opposite of what is happening. Hum bol rahe hain work done but it is negative, it means it is not work done, it is work obtained. Duster ko aise hold kiya tha, this was our system, and what happens if you want to displace the duster downwards, niche le jana hai to hame koi mehnat karni padegi kya? It will go automatically. So we are not doing work, we are obtaining the work. नीचे कुछ रखा है, सपोज हथौड़े से पत्थर को तोड़ना है, हथौड़ा ऑलरेडी ऊपर है, पत्थर नीचे रखा है, तुम्हें तोड़ना है, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी क्या? वर्क करना पड़ेगा क्या? हथौड़े को जस्ट छोड़ देना है. छोड़ने से क्या होगा? नीचे रखा हुआ पत्थर टूट जाएगा. क्या तुमने कोई वर्क किया? नहीं किया ना. दिस इज़ नेगेटिव वर्क, दिस इज़ वर्क ऑब्टेंड. ये वर्क ऑब्टेंड है, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क को क्या बोलते हैं? वर्क डन. और इसको क्या बोलते हैं? वर्क ऑब्टेंड, ठीक है? अब एनर्जी की बात कर लो, वर्क को हटा दो, एनर्जी की बात कर लो. कौन से केस में तुमने एनर्जी खर्च की और कौन से केस में तुमको एनर्जी मिली? सिंपल है, वर्क डन जिसमें हुआ, तुमने एनर्जी खर्च की और वो एनर्जी कहाँ गई? सिस्टम के अंदर, रबर बैंड के अंदर, धनुष के अंदर, स्प्रिंग के अंदर, डस्टर को उठाया उसके अंदर, ठीक है?
और इस केस में क्या हुआ, वर्क ऑब्टेंड के केस में क्या हुआ, हैव यू डन एनी वर्क, एनर्जी कहाँ से आई वर्क करने के लिए, सिस्टम से बाहर निकली, पत्थर ऊपर हथौड़ा ऊपर उठाया हुआ था ना, हथौड़े में एनर्जी थी, हमने काम करवाया तो क्या हुआ, हथौड़े की एनर्जी कम हो गई और हमें क्या मिल गया, वर्क ऑब्टेंड। समझ में आ रही बात? सो यू रिमेंबर दिस थिंग, व्हेन द वर्क डन इज पॉजिटिव एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, एंड व्हेन द वर्क डन इज नेगेटिव एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। हमने सिस्टम से वर्क करवाया है, वी हैव ऑब्टेंड द वर्क, क्लियर? तो क्या याद रखना है, चलो इस केस में अप्लाई करते हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में Q2 को डिस्प्लेस करेंगे, देन वी हैव टू डू वर्क, एंड इफ डिस्प्लेस अगेंस्ट द फोर्स देन वर्क इज टू बी डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। इस केस में क्या होगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? इस केस में वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हुए, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, पॉजिटिव। एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, इसमें नहीं करना पड़ेगा, तो इसमें हो जाएगा वर्क ऑब्टेंड, बट बाय द सिस्टम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, ठीक है? तो जब भी हम वर्क डन बताएंगे तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि वो बाय द एक्सटर्नल एजेंट है या बाय द सिस्टम है, ठीक है? तब हमारा साइन सही आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आई थिंक इतने डिस्कशन। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मेक अ चेंज इन अ सिस्टम देन वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द इंटरनल फोर्सेस, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम, ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर अब आ जाते हैं इस डिस्कशन के बाद। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलता है कि किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम को बनाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है? अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम कैसे बनाते हैं, जैसे अभी यहाँ था डायग्राम में, सपोज़ हमने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम बनाया। इस सिस्टम में दो चार्ज पार्टिकल हैं, प्लस Q1 एंड प्लस Q2, दे आर प्लेस्ड एट देयर रेस्पेक्टिव पोजिशंस, डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। ऐसा हमें एक सिस्टम बनाना है। सिस्टम बनाने के लिए जब हम बनाएंगे सिस्टम तो फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना होगा। व्हाट इज़ द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, हाउ मच इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये फोर्स तो इस सिचुएशन में है जब सिस्टम बन चुका था, बट सिस्टम बनाने की शुरुआत जब हुई थी तब कितना फोर्स था? ये फोर्स तो हमेशा ही एक्ट करता है, चार्ज पार्टिकल्स कितने भी डिस्टेंस पर हों, बिकॉज फोर्स विल बिकम ज़ीरो ओनली व्हेन r इज इन्फिनिटी। जब r इन्फिनिटी होगा तब फोर्स ज़ीरो होगा। मतलब ये जो सिस्टम में पॉइंट चार्जेस हैं, ये जब इन्फिनिटी पर थे तो भी इनके बीच में फोर्स एक्ट कर रहा था, ठीक है? तो हमें इन्फिनिटी से लेकर के आना है इन्हें, स्टिल द फोर्स इज एक्टिंग, वहाँ से फोर्स एक्ट कर रहा है। मतलब Q2 को इधर से लेके आ रहा है, इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी, और Q1 को उधर से लेके आ रहा है, फ्रॉम इन्फिनिटी। बोथ द पार्टिकल्स आर बीइंग एक्टेड अपॉन बाय, सो इन्फिनिटी पर भी फोर्स एक्ट कर रहा था और हम इनको मूव करा रहे थे। दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, मतलब रिपल्सिव फोर्स था, वो पास नहीं आना चाहते थे, स्टिल वी आर ब्रिंगिंग देम क्लोजर, सो वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, ठीक है? ये सब प्रीवियस क्लास में हो चुका है, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है इसलिए पूरा रिपीट करना पड़ रहा है। तो अगर हम ये वर्क कैलकुलेट कर लें, इन्फिनिटी से Q1 को A तक लाने में किया गया वर्क, इन्फिनिटी से Q2 को यहाँ तक लाने में किया गया वर्क, दैट वर्क विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है? तो इन्फिनिटी से यहाँ तक इसको लाए, इन्फिनिटी से यहाँ तक इसको लाए, K
कितना वर्क हुआ, दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर कैलकुलेशन का एक ट्रिक है, वो क्या है कि इसको इन्फिनिटी से लाओ, इसको इन्फिनिटी से लाओ, इन्फिनिटी डिस्प्लेसमेंट इधर से, इन्फिनिटी डिस्प्लेसमेंट इधर से, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कितना होता है, टू इन्फिनिटी, नहीं कितना होता है, इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, Q1 को यहीं रखेंगे, ऑलरेडी इट इज़ देयर, ठीक है। सपोज दिस पोजिशन इज़ x इक्वल टू ज़ीरो और इसको इन्फिनिटी से लेके आ जाएंगे, बात तो वही रहेगी, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं, अगर x इक्वल टू ज़ीरो देन दिस पोजिशन विल बी x इक्वल टू r और इन्फिनिटी के लिए लिख लेते हैं x इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, Q1 इज ऑलरेडी एट दिस पोजिशन एंड Q2 इज बीइंग ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, दैट इज x इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इक्वल टू r, इसको इधर से इधर लेके आ रहे हैं, बस ये वाला वर्क निकाल लो, हो जाएगा। वर्क कैसे कैलकुलेट होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट पता है x इक्वल टू इन्फिनिटी से r, बट वॉट अबाउट द फोर्स, फोर्स पता है क्या, पता तो है, अभी तो लिखा था फार्मूला, के क्यू वन क्यू टू बाय डिस्टेंस स्क्वायर, वो आर स्क्वायर तब होगा जब यहाँ आ जाएगा, बट उसके पहले क्या, यहाँ कहीं पे था मान लो, तो आर की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ था तो आर की वैल्यू कुछ और होगी, मीन्स वैल्यू ऑफ आर इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, सो इट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज चेंजिंग बिकॉज दिस डिस्टेंस इज चेंजिंग, सो दिस इज द केस ऑफ वेरिएबल फोर्स, और वेरिएबल फोर्स से किया गया वर्क हम डायरेक्ट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करके नहीं कर सकते, कैसे करते हैं, 11 क्लास में पढ़ा था, इंटीग्रेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन टेक्निक क्या करता है, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट कि वो जो फोर्स में चेंज होगा दैट वॉन्ट बी देयर, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर से। इंटीग्रेशन मेथड क्या बोलता है, इधर से ला रहे हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है फोर्स भी चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक इंटरमीडिएट पोजीशन लेंगे, सपोज दिस इज आवर इंटरमीडिएट पोजीशन P1 एंड दिस पोजीशन इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन है, यहाँ पे Q1 रखा है, इंटरमीडिएट पोजीशन सपोज x डिस्टेंस पर है, तो इसको क्या बोलेंगे, x इक्वल टू x, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 when it is at P1 will be in which direction? Positive है, ये भी positive है, repulsive होगा F, ठीक है। इस force को हमने suppose Fx नाम दे दिया, Fx की value क्या होगी, K Q1 Q2 by x square, R तो ये distance है, ठीक है, अभी यहाँ पर है तो कितना force होगा, x square, इतना force होगा, force पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट करेंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, P1 से P2 ले आएंगे इसको, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, बहुत स्मॉल है, यहाँ पे बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कितना वर्क हुआ इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, कितना वर्क हुआ, वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, ओके, व्हाट विल डू नाउ, वर्क डन, बोलो क्या करेंगे, वर्क डन फॉर, जल्दी बोलो, बोलो आगे आगे क्या लिखना है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, dx डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क हुआ, सिंपल है ना, dw इज f डॉट dx, इसको fx नाम दिया था हमने, ठीक है। तो अब डायरेक्शन देख लो, fx इधर है, dx इधर है, अच्छा ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्सटर्नल एजेंट मतलब कौन है, हम लोग हैं ना, एक्सटर्नल एजेंट, हम वर्क कर रहे हैं, हाँ नेगेटिव आ जाएगा बिकॉज डायरेक्शन इज अपोजिट, एफ एक्स डी एक्स कॉस पाई, सो इट बिकम्स माइनस एफ एक्स डी एक्स, फिर एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये हो गया वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। Now we have to calculate work done for displacement from x equal to infinity to x equal to r. अच्छा समझ में आ रहा है इसका मतलब,
therefore work done for no small displacement to ho gaya for displacement from x equal to infinity to r work done for displacement from x equal to infinity to x equal to r ठीक है. अब इस वाले वर्क को हम इंटीग्रेट कर देंगे. w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू एंड डी डब्ल्यू की वैल्यू लिखेंगे माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स. देखो अभी यहाँ लिखा था ना y हैज़ टू बी फंक्शन ऑफ x, जिसको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रैंड हैज़ टू बी ए फंक्शन ऑफ x. यहाँ ये लिखा हुआ है, ये x का फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर है ना, इधर k q1 q2 ये सब कॉन्स्टेंट है. इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एडिशन, ब्रैकेट लगाते हैं और जो कॉमन होता है उसको बाहर फेंक देते हैं. तो यहाँ पे बाहर जाने वाला कौन कौन है, माइनस है, k है, q1 है, q2 है, इधर क्या बचेगा, वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स. ठीक है, इंटीग्रेशन फार्मूला तुमने अभी याद नहीं किए होंगे, जिसने नहीं पढ़ा है उसने याद नहीं किया होगा. हाँ, इसमें देखो इंटीग्रेशन तुम्हें मैथ्स में जब पढ़ाया जाएगा तब पढ़ लेना, बट फिजिक्स में जितना चाहिए वो ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लास्ट ईयर वाले प्लेलिस्ट में सर्च करना, उसमें मिल जाएगा. ठीक है, मैथ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स ऐसे करके एक मिलेगा, उसमें देखना, वहाँ पे इसको बताया हुआ है जितना हमें फिजिक्स में चाहिए. तो जो सबसे बेसिक फार्मूला है इंटीग्रेशन का वही यहाँ पर यूज़ होता है, एक्स टू द पावर एन डी एक्स. ये फंक्शन है, क्या होता है, पावर में वन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, बाय एन प्लस वन, दिस इज़ द फार्मूला. डिफ्रेंशिएशन जब करते हैं तुम्हें याद होगा, एक्स टू द पावर एन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन व्हाट हैपेंस, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, पावर डिक्रीज हो जाता है. व्हेन वी डिफ्रेंशिएट, तुम बंगाली, हम गुजराती, तुम मराठी, ये पंजाबी, वो बिहारी, व्हेन वी डिफ्रेंशिएट देन व्हाट हैपेंस, पावर कम हो जाती है ना, हमारे कंट्री की पावर कम हो जाती है. व्हेन वी इंटीग्रेट, गुजराती, बंगाली, बिहारी सब भारतीय हैं, सब इंडियन हैं, देन पावर इंक्रीजेस, बढ़ गई ना पावर, देखो इंटीग्रेट करने से. तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, माइनस के क्यू वन क्यू टू एक्स रेस टू पावर माइनस टू, ऐसे लिख लिया हमने. पावर कितनी है, माइनस टू, वन इंक्रीज हो जाएगा इसमें, तो क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे इसको लिमिट लिमिट बोलते हैं, यहाँ पे लिमिट लिखना है, एक्स कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है वो यहाँ लिखना होता है, दिस इज़ कॉल्ड लिमिट. वो वाले वीडियोस देखना समझ में आ जाएगा, माइनस के क्यू वन क्यू टू. हाँ, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, एक्स टू पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन, क्या आएगा, माइनस वन बाय एक्स, और लिमिट इन्फिनिटी से आर तक. ठीक है, अब लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताया जाएगा. माइनस को पहले कॉमन ले लेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू वन बाय एक्स पावर इन्फिनिटी टू आर. ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर दो, ये सब उड़ा देते हैं. देखो लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, यहाँ आर अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट. जहाँ पे एक्स लिखा है वहाँ पहले अपर लिमिट लिख दो, फिर माइनस साइन लगाओ, फिर जहाँ एक्स लिखा है वहाँ पे लोअर लिमिट. तो क्या आ जाएगा, वर्क डन, के क्यू वन क्यू टू वन बाय आर माइनस वन बाय इन्फिनिटी. ठीक है, वन बाय एक्स था ना, तो एक्स की जगह आर आ गया, फिर माइनस, फिर एक्स की जगह पे इन्फिनिटी, वन बाय इन्फिनिटी बिकम्स ज़ीरो, सो इट बिकम्स के क्यू वन क्यू टू बाय आर. ठीक है, ये क्या आ गया, कौन सा वर्क डन, कौन सा वर्क, जब क्यू टू को यहाँ तक लेके आए, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में किया गया वर्क. द सेम वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, जो सिस्टम अभी बना है. तो यही वर्क क्या हो जाएगा, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज के क्यू वन क्यू टू बाय आर. ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था, पूरा रिपीटेशन हुआ है आज. एक अगर पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव, तो कैलकुलेशन में क्या चेंज आता,
क्या चेंज आता बोलो? इस डायग्राम में कुछ चेंज आता? बिल्कुल आता, क्यों नहीं आता? अगर ये नेगेटिव होता तो आता ना चेंज? फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाता ना, ऐसे हो जाता, ठीक है? तो ये पार्टिकल इन्फिनिटी से अपने आप से उधर जाता, अपने आप से उधर जाता। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर हम करते तो क्या लिखते उसमें? एफ एक्स डॉट डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स कॉस ज़ीरो, देन एफ डी एक्स, ठीक है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। फिर हम यहाँ पर जब इंटीग्रेट करते, एफ और डी एक्स सेम डायरेक्शन में थे ना, तो ये माइनस नहीं होता, ये माइनस नहीं होता, ये होता। फाइनल रिजल्ट कैसा आ जाता हमारा? नेगेटिव आता। फाइनली वर्क हमारा कैसा आ जाता? नेगेटिव। व्हाट वी वर कैलकुलेटिंग? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और वो आ जाता नेगेटिव। इट मीन्स वर्क हैज़ नॉट बीन डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इट हैज़ बीन डन बाय द सिस्टम। मीन्स द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। कौन से केस में? व्हेन वन पार्टिकल इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। या तो पूरा कैलकुलेशन करके लास्ट में नेगेटिव लाओ। दूसरा तरीका है Q1 और Q2 को विद साइन लिख दो, Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, अपने आप से नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है? दोनों नेगेटिव होने से क्या होता? इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, फिर क्या होता? रिपल्सिव फोर्स। फोर्स किधर हो जाता? इस तरफ। फिर से एफ एक्स डी एक्स कॉस पाई, फिर माइनस आता, और ये माइनस आने के बाद फिर से पॉजिटिव हो जाता। यानी रिपल्सिव फोर्स जब जब होगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट विल बी पॉजिटिव एंड सिस्टम की एनर्जी विल इंक्रीज। इंक्रीज पॉजिटिव वर्क हुआ ना, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सिस्टम की एनर्जी विल डिक्रीज, ठीक है? कैलकुलेशन के हिसाब से Q1 Q2 को विद साइन लिखेंगे, ऑटोमेटिकली इट विल कम पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है? हमेशा याद रखना है, जब हम वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ठीक है? डायरेक्शन के साथ भी लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, और चार्ज का साइन नहीं लेना है। डायरेक्शन हम डायग्राम की हेल्प से निकालते हैं, ठीक है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ कर सकते हैं, या और कौन सा था वो, ट्रायंगल लॉ, व्हाटएवर, वेक्टर एडिशन या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर निकालने का तरीका यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। कैलकुलेशन में साइन ऑफ चार्ज नहीं लेंगे, बिकॉज वी आर राइटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है? लेकिन जब हम स्केलर क्वांटिटी लिखेंगे, जैसे ये है पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी इज स्केलर, स्केलर क्वांटिटी जब लिखेंगे तो चार्ज का साइन भी लेंगे, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है? कोई कुछ